नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं न्यू टेक एंड ट्रिक्स। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग अकाउंट अगर लॉक्ड हो गया है तो उससे आप घर से ही अनलॉक कर सकते हैं। जो नेट बैंकिंग अकाउंट लॉक्ड होने के ज़्यादातर दो ही रीज़न होते हैं, अगर आपने काफ़ी समय से अपने अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो इस वजह से भी आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने लॉगिन करते समय 5 बार अगर गलत पासवर्ड का यूज़ किया तब भी आपका अकाउंट लॉक्ड हो जाएगा। तो इसे अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। साइट ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिटेल यूज़र, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी फिल करनी है और साइड में आप एक ऑप्शन देख रहे हैं योर अकाउंट इज़ लॉक्ड क्लिक किया, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले यूज़र आईडी डालते हैं और क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं। इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सबमिट कर देना है। जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट करना है। अब यहाँ पे हमें अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करके सबमिट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को इनवैलिड बता रहा है, जबकि मैंने सही पासवर्ड डाला तब भी ये इनवैलिड बता रहा है। चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो ये दूसरी बार भी हमारे पासवर्ड को इनवैलिड बता रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलते हैं तीन ऑप्शन। तो हमें जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो कैप्चा थोड़ा सा गलत हो गया था, इस वजह से ये फेल्ड हो गया। चलिए दोबारा से कैप्चा को फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल को फिल करना है और सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, एटीएम पिन और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो चलिए पूरी डिटेल फिल करते हैं और वैलिडेट पर क्लिक करते हैं।
अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा आपको, वो आपको यहाँ पर फिल करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना है, उसके बाद में उसी पासवर्ड को आपको री एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड रिसेट हो गया है। तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं। अब दोबारा से हमें रिटेल यूज़र पर क्लिक करना है। और यूज़र आईडी एंटर करना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है योर अकाउंट इज़ लॉग्ड, इस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और सबमिट कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको जो ओटीपी मिला है उसे यहाँ पर एंटर करें और सबमिट करें। अब आपको अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड का यूज़ करना है जो अभी आपने रिसेट किया है। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना है और सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूज़र अकाउंट था वो सक्सेसफुली अनलॉक्ड हो गया। तो इस तरह से आप अपनी नेट बैंकिंग अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।